हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य करार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बागी विधायकों का मानना है कि विधानसभा स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है और इन सभी विधायकों ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी, जिसके बाद इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में विधायक चैतन्य शर्मा ने अयोग्य करार दिए गए विधायकों की ओर से याचिका दाखिल की है। कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्य करार देने के फैसले को रद्द करने की मांग रखी है। वहीं आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य अयोग्य घोषित हो चुके हैं और इन विधायकों का मानना है कि स्पीकर ने इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है। साथ ही नोटिस भी सिर्फ एक ही विधायक को मिला है, बाकी किसी भी विधायकों को नोटिस नहीं मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इन विधायकों को राहत की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर यहाँ राहत नहीं मिली तो इन सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव करवाए जाएंगे। माना जा रहा है ये चुनाव देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही करवा दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद विधानसभा में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यह फैसला लिया था। विधानसभा स्पीकर ने यह फैसला बतौर ट्रिब्यूनल चेयरमैन सुनाया है, जिसके बाद उनके इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस के बागी विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित हो चुके विधायकों का मानना है कि उन्हें इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और बागी विधायकों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि सभी बागी विधायक मामले को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। संभावना है कि इस मामले की आज सुनवाई हो सकती है। बागी विधायकों का कहना है कि सच की आवाज बुलंद कर तैयारी से वो लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और अगर फैसला बागी विधायकों के पक्ष में आता है तो क्या सुक्खू सरकार गिर जाएगी, और अगर फैसला इन बागी विधायकों के विपक्ष में आता है तो क्या फिर से उपचुनाव होंगे, तो उसका असर सुक्खू सरकार पर सही होगा या गलत, ये तो समय बताएगा।